राजनांदगांव जिले की तुमड़ी बोर्ड चौकी के अंदर आने वाले ग्राम कोहका की पहाड़ियों में बीते 26 मार्च को ग्रामीणों को मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल बीते 31 जनवरी की रात को युवक तामेश्वर साहू का विवाद अपने 5 साथियों के साथ शराब पीने के बाद हुआ था। इसके बाद 5 आरोपियों ने मिलकर तामेश्वर की हत्या कर दी और शव को पत्तों से दबा दिया। साथ ही सबूतों को छुपाने के लिए भी मृतक के शव को आरोपियों ने पहाड़ी के जंगल में छिपा दिया। वहीं इस मामले की जांच पड़ताल कर रही पुलिस ने 2 दिन के अंदर ही इस मामले का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। तुमड़ी बोर्ड चौकी का एक बड़ा अज्ञात शव का मामला हम लोगों के पास आया था 26/3/2024 पर। एक अज्ञात शव ग्राम कोका अंधियारी पाट की पहाड़ी के नीचे जंगल में गड़ा मिला था, जिसको गांव के लोगों ने देखा और उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना के तुरंत बाद पुलिस उस जांच में लगी और उसकी जो फोटो वीडियोग्राफी करा के नज़दीकी गाँव क्षेत्रों में संपर्क किया और सर जगह फोटो को वायरल किया। उसके बाद उसकी शिनाख्त तोमेश्वर साहू पिता रामलखन साहू के नाम से हुई है। ढाबा का निवासी था, 35 वर्ष का था। इसकी शिनाख्ती के बाद तुरंत इसकी जांच में पुलिस जुट गई और सभी तरह के एविडेंस, चाहे वो टेक्निकल एविडेंस हो चाहे वो ह्यूमन इंटो, इससे पहले भी एक मामले में जो मोहरा का मामला था उसमें ह्यूमन इंट का काफ़ी अच्छा उपयोग किया गया था, उसी तर्ज पे तुमड़ी बोर्ड के इस मामले में भी ह्यूमन इंट का बहुत अच्छा प्रयोग और सहयोग हुआ और इसके बाद इसमें 5 लोगों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली।